नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और रुख करेंगे फास्ट 100 का, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कुलगाम में एक और आतंकी मारा गया है। कुलगाम में अब तक 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कुलगाम में 2 जगह पर एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम के इलाके की घेराबंदी की गई। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। वाकई इस वक्त की बड़ी खबर, एक दिन में 6 भाड़े के आतंकवादियों को भारतीय सेना ढेर कर चुकी है। पाकिस्तान के मंसूबों को जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्याओं, लोगों के मर्डर और खून खराबे से दहलाने की नीयत लेकर आए इन आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा दिया गया है। तो कुलगाम के 2 जगहों पर ये एनकाउंटर चल रहा है और 2 जगहों पर एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकवादियों को ढेर किए जाने की खबर सामने आ गई है। इन दोनों जगहों पर एरिया कॉर्डन ऑफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे इलाकों को घेर रखा है, वहां पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। अंदाजा जताया जा रहा है कि 2 से 3 टेररिस्ट और हो सकते हैं, यानी ये एक बड़ी तादाद थी टेररिस्ट की, कुछ बड़ा करने आए थे। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से नासिर खान, मेरे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नासिर, पहला सवाल यही कि अब तक क्या अपडेट है, कितने टेररिस्ट ढेर किए जा चुके हैं और कितने अभी भी ट्रैप्ड हो सकते हैं? जी देखिए, कल से लगातार जो है दक्षिणी कश्मीर के 2 अलग अलग इलाकों में 2 मुठभेड़े हमें देखने को मिली। अभी तक जो अपडेट आ रहा है, 6 आतंकी जो है इसे मार गिराए गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, क्योंकि ये जो आतंकी 6 है इनसे जो है बड़ी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया। जो फिरसाल का एनकाउंटर था वहां पे 4 आतंकियों को मार गिराया गया और वहां से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर किए गए वो बड़ी मात्रा में कैश किए गए। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि आतंकी जो है किसी बड़े हमले की फिराक में थे और पहले ही सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता जो है उनके हाथ लगी। उसके बाद अगर देखा जाएगा मातरगाम का इलाका, जो कुलगाम का ही इलाका है जो हाईवे के नजदीक पड़ता है, वहां पे भी 2 आतंकियों को जो है अभी तक सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा 6 आतंकियों का मारना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा अभी भी मातरगाम इलाके में 2 आतंकी और बताया जाए कि 2 आतंकी और भी जो है इस रेजिडेंशियल एरियाज में छुपे हुए हैं। पहले वहां से जो सिविलियंस है उनको वहां से सेफर प्लेस पे सिक्योरिटी फोर्स से निकाला। अभी जो है अरसे से गोलाबारी जो है दोनों तरफ से बिल्कुल जारी है। कहीं ना कहीं ये इलाका जो है कुलगाम बिल्कुल नेशनल हाईवे के नजदीक पड़ता है, इसे साफ लगता है कि ये आतंकी 6 जो है कहीं ना किसी बड़े हमले की फिराक में, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी जो है 29 जून से शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है या अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने वाले थे या किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय जो है वो उनको बनाने वाले थे। कहीं ना कहीं पहले ही इनको ढेर करना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इसमें यह बताया जा रहा है एक सबसे बड़ा टॉप कमांडर जो है वो इन दोनों मुठभेड़ों में ट्रैप हुआ है। कहीं ना कहीं बताया कि वो फॉरेनर है, पाकिस्तान से आया हुआ है, काफी समय से कश्मीर घाटी में, दक्षिणी कश्मीर में सक्रिय है और बड़े सारे जो हादसे यहाँ पे हुए, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के अटैक की बात करें या लोकल्स के अटैक की बात या लोकल रिक्रूटमेंट की बात करें, उसमें उसका बड़ा हाथ माना जाता है। उसको मार गिराना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी खबर नासिर इस वक्त दे रहे हैं। बड़ी खबर नासिर ने वाकई बड़ी खबर दी है। 6 टेररिस्ट ढेर किए जा चुके हैं, बाकी ट्रैप्ड हैं जिनकी तलाश में अभी सेना और पुलिस है। बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ।